दोस्तों सर्दियां आ गई हैं, बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़नी स्टार्ट हो गई है। ऐसे में हमें जरूरत महसूस होती है एक रूम हीटर की। आज मैं आपको कुछ ऐसे कमाल के रूम हीटर्स दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास हैं ये तीन कमाल के रूम हीटर्स। एक एक करके तीनों रूम हीटर्स को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हैं ये कमाल के रूम हीटर्स। तो ये है लीफलेस हीटर, यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हो और बॉक्स के इस साइड यहाँ पर लिखा हुआ है 360 डिग्री नो डेड एंगल टू हाईटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ लीफलेस हीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 सेकेंड्स स्पीड हॉट कन्वेक्शन एयर डक्ट डिजाइन द हीटिंग बाय जनरेट हीट ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन इसके अंदर मिल जाता है। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल से ये बना हुआ है। तो ये है लीफलेस हीटर, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी फैन वगैरह नहीं है, कोई भी यहाँ पर लीफ हमें दिखाई नहीं दे रही है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है, इसे हम अपनी डेस्क पर रखकर यूज कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस डेस्क हो या फिर कहीं भी आप बाहर काम करते हैं वहाँ पर आप इजिली इसे अपनी टेबल पर आराम से रखकर यूज कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ दी गई है और ये हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ है। और यह है इसकी पावर कॉर्ड, पावर कॉर्ड की लेंथ काफ़ी अच्छी खासी दी गई है और इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक एडेप्टर टाइप का दिया गया है जिससे कि हम इसे इंडियन सॉकेट में भी यूज कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी पावर कंजम्पशन की तो ये 400 वॉट कंज्यूम करता है, 400 वॉट का ये हीटर है। और अगर बात करें इसकी डिज़ाइन की तो बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है, स्टाइलिश लुक है इसका, काफ़ी बढ़िया ये लग रहा है। अगर आप इसे अपनी डेस्क के ऊपर रखेंगे तो देखने में भी काफ़ी बढ़िया ये लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ से फ्रेश एयर अंदर जाएगी और हॉट एयर यहाँ से बाहर आएगी। यहाँ पर हमें एक स्लाइडिंग स्विच दिया गया है, इससे हम इसके एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे यूज करना बहुत ही आसान है, एसी सॉकेट में आपको इसे इंसर्ट कर देना है। मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और इसके बाद यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे। ये ऑन हो चुका है, हवा आनी स्टार्ट हो गई है, गर्म एयर आनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी बॉडी जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रही है। इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी इसकी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ से गर्म हवा आ रही है, हॉट एयर का फ्लो काफ़ी अच्छा है। अगर आपका एक छोटा रूम है तो उसके लिए ये आराम से गर्म कर सकता है, आप इसे अपनी डेस्क पर रखकर आराम से यूज कर सकते हो। तो ये लीफलेस हीटर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इसका डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक है। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है, इसे हम अपनी डेस्क पर रखकर यूज कर सकते हैं और देखने में भी ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लेकिन इस समय ये आउट ऑफ स्टॉक है, इस समय आपको ये अमेजोन पर नहीं मिलेगा, आप इसे बैंगवुड या अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक हैंडी हीटर है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है, इसे हम वॉल आउटलेट पर लगाकर यूज कर सकते हैं। 400 वॉट का हीटर है, यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हो और यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स को हाइलाइटेड किया गया है। स्पेस सेविंग डिज़ाइन, एडजस्टेबल थर्मोस्टेट फ्रॉम 15 डिग्री टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 आवर प्रोग्रामेबल टाइमर इसमें दिया गया है, डिजिटल LED डिस्प्ले हमें इसमें मिल जाता है और यह है विस्पर आउटलेट ऑपरेशन, यानी बहुत साइलेंटली ये काम करता है, कोई नॉइज प्रोड्यूस नहीं करता है। हाई एंड लो स्पीड सेटिंग्स इसके अंदर मिल जाती हैं, इससे हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके बिल्ट इन सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ सिरेमिक हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर दिया गया है, स्टे कूल प्लास्टिक हाउसिंग दी गई है और ऑटो शट ऑफ दिया गया है, यानी जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो प्लास्टिक की बॉडी है वो गर्म नहीं होती है। और यहाँ पर इसके कुछ यूजेस को दिखाया गया है, कहाँ कहाँ आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। पाउडर रूम यानी मेकअप रूम में आप यूज़ कर सकते हो, बेडरूम में यूज़ कर सकते हो, लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हो, अपने गैरेज में यूज कर सकते हो, ऑफिस में यूज कर सकते हो, यानी कहीं पर भी आप इसे ईजिली यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है किसी भी वॉल माउंट प्लग में आप इसे लगा सकते हो और ये आराम से काम करेगा।
तो ये है हैंडी हीटर। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो भैया अमेजिंग डिज़ाइन है, काफ़ी बढ़िया स्टाइलिश लुक इसका लग रहा है, फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया है, और साथ ही साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ड्यूरेबल प्लास्टिक से बना हुआ है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके फ्रंट में एक मेटल की जाली दी गई है और इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, सिरेमिक हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर हमें दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन ऑफ का बटन हमें देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर एक एयर वेंट दिया गया है जिससे फ्रेश एयर अंदर जाएगी और हॉट एयर यहाँ से बाहर आएगी। तो इसे हम अपने टेबल पर रखकर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चार लेग हमें देखने को मिल जाती हैं और इसके सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में हमें एक डिस्प्ले दिया गया है जिसपे आप इसके टेम्परेचर को, सेटिंग्स को देख सकते हो। ये है प्लस, ये है माइनस, इससे हम बढ़ा सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दिया गया है और इसके टाइमर, यानी इसके अंदर हम टाइमर भी सेट कर सकते हैं। इस टाइम पर ये ऑन हो जाएगा, उस टाइम पर ये ऑफ हो जाएगा, वो टाइमर भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक कैप टाइप की दी गई है, इसे हम इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और इसके अंदर आपको इसका प्लग दिखाई दे रहा है। इसे आप डायरेक्ट किसी भी सॉकेट में लगा सकते हो, जो भी आपका वॉल माउंट सॉकेट है उस पर आप लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, तो जो भी टेम्परेचर आपको सेट करना हो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, जैसे टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम 32 डिग्री तक हम टेम्परेचर इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड अगर आपको जैसे अभी लो है, हाई हो गई, तो ये काफ़ी जल्दी गर्म हो गया है और बहुत गर्म हवा ये दे रहा है, यानी एक अच्छे खासे हीटर का ये काम कर रहा है। अगर आपका छोटा रूम है, कोई भी अगर आपका छोटा रूम है, स्टडी रूम है, बेडरूम है, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसे एक या दो घंटे अपने रूम में चला लोगे, पूरे कमरे को ये गर्म कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है फ्लेम हीटर, फास्ट एंड सिंपल हीट इंस्टेंटली, यानी ये भी काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है और बहुत जल्दी ये हीट प्रोड्यूस करने लगता है। आप इसे अपने बेडरूम, ऑफिस, बाथरूम, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल डिवाइस है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी इमेज देख रहे हो तो इसके फ्रंट में कुछ सीन टाइप का दिखाया गया है, यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा, तो ये देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। ये 1000 वॉट का हीटर है, 1000 वॉट का ये हीटर है और इसके साथ हमें एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है, इसे हम रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है, इससे हम अपने हीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से हम टाइमिंग को सेट कर सकते हैं और ये है विंड स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, इससे हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक फ्लेम हीटर है। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक डिज़ाइन टाइप की दी गई है, जैसे कि जो फायर प्लेसेस हो, तो इसी तरह का यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि रियल में हमने यहाँ पर लकड़ी वगैरह लगा के आग लगा रखी है। नीचे की साइड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ इसके अंदर इसका एलिमेंट दिया गया है और इसके ऊपर मेटल की जाली लगी हुई है जो कि एक सेफ्टी जाली है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, फिनिशिंग की बात करें, तो बहुत बढ़िया फिनिशिंग है। डिज़ाइन आप देख ही रहे हो, बिल्कुल अलग डिज़ाइन इसका दिया गया है। इसके बैक साइड आप देख सकते हो इसके अंदर एक फ़ैन दिया गया है, ये एक एयर वेंट है, इससे फ्रेश एयर अंदर जाएगी और जो हॉट एयर है वो यहाँ से बाहर आएगी। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है, आप किसी भी वॉल माउंट पावर प्लग में इसे लगा सकते हो। क्योंकि ये 1000 वॉट का हीटर है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पावर सॉकेट है वो 15 एम्पियर से ऊपर का होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इससे हम इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर इसके कंट्रोल दिए गए हैं, बीच में हमें एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसपे इसकी हीटिंग वगैरह सारी सेटिंग डिस्प्ले होगी। यहाँ पर प्लस का बटन है, ये माइनस का बटन है। प्लस से हम इसकी स्पीड या हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस माइनस से। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है टाइमर का ऑप्शन, इससे हम टाइमर सेट कर सकते हैं। और ये है स्पीड कंट्रोल के लिए यहाँ बटन दिया गया है। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल इसके साथ दिया गया है, आप रिमोट से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो एक बार इसे ऑन करके देखते हैं क्या रियल में ये गर्म हवा दे रहा है, नहीं दे रहा है, और जो हीटिंग है वो इंस्टेंटली हीट हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। स्विच है, यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे। अब आप देख सकते हो इसका लुक, यहां से देख सकते हो
काफी अमेजिंग लुक हमें यहाँ पर मिल रहा है। आप इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमने रियल में आग जला के रखी हुई है। तो काफी बढ़िया लुक आ रहा है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ जैसे ही इसे इंक्रीज करूँगा तो गर्म हवा आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम मैक्सिमम 32 डिग्री तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। 32 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर ये देता है। इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ऑटो कट ऑफ भी दिया गया है। तो यहाँ से जैसे ही आप इसे ऑन करोगे, इमीडिएटली इंस्टेंटली गर्म हवा यहाँ से आनी स्टार्ट हो गई है। इसका एलिमेंट है, काफ़ी पावरफुल है, बहुत जल्दी यहाँ पर गर्म ये कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे ये तीनों ही रूम हीटर काफ़ी बढ़िया लगे, मुझे बहुत पसंद आए और मैंने यूज़ भी करूँगा। अगर इनकी कमियों की बात करें तो इन तीनों में ही सबसे बड़ी कमी ये है, इनके साथ हमें कोई भी वारंटी गारंटी नहीं मिल रही है। अगर बाई चांस ये ख़राब हो जाते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है, हमारे पूरे पैसे गड्ढे में चले जाएंगे। दोस्तों, इनमें से कौन सा रूम हीटर आपको सबसे बढ़िया लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इनमें से किसी भी रूम हीटर को परचेज करना चाहते हैं तो इनका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।